Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Entry Test Preparation with Paris in collaboration with ETS यानी Educational Testing Service की तरफ से आपको ये वीडियोस डिलीवर की जा रही हैं और आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस करेंगे लॉगरिथम की कंप्लीट डिटेल को और उससे रिलेटेड MCQs पॉइंट को, तो उससे पहले वाली वीडियोस देखना भी मत भूलिएगा। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लॉगरिथम, तो बेसिकली एक्सपोनेंट के साथ लॉगरिथम को ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया था क्योंकि लॉगरिथम क्या है, इट इज़ एक्सपोनेंट या पावर ओवर बेस। उसे क्या कहते हैं, उसे लॉगरिथम कहते हैं। जो एक्सपोनेंट या फिर जो पावर होती है ओवर द बेस, वो बेसिकली क्या है, वो है लॉगरिथम। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक एक्सप्रेशन आपको शो किया गया है, ए उसके ऊपर पावर एक्स है इज़ इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो हमने कहा कि एक्स जो होगा वो लॉगरिथम होगा वाई का टू द बेस ए। ए के ऊपर ये ए क्या है, बेस है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से शो कर देती हूँ, ये ए क्या है, बेस है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो एक्स है ये क्या है, पावर है, इज़ इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एक्स है यानी ये जो पावर है या फिर ये जो एक्सपोनेंट है ओवर द बेस, ये क्या है, ये लॉगरिथम है वाई का और बेस है ए का। ठीक है, जहाँ पर जो ए है उसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है अदर देन वन। अ लॉगरिथम इज़ देयरफॉर एन एक्सपोनेंट एंड एज सच फॉलोज द रूल्स अप्लाइंग टू एक्सपोनेंट। क्योंकि जो लॉगरिथम है ये एक्सपोनेंट या पावर है ओवर द बेस, तो इसलिए ये सेम वही एक्सपोनेंट के जो रूल्स होते हैं वही इस पर भी क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अच्छा, लॉगरिथम में जो बेस होती है वो यूजुअली क्या होगी, 10 होगी। अच्छा, अब इसको लॉगरिथम को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, उन पार्ट्स को पहले हम देख लेते हैं। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट होता है करेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, करेक्टरिस्टिक जो है ये इंटीग्रल पार्ट होता है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं करेक्टरिस्टिक और डेसिमल फ्रैक्शन को कहते हैं मेंटिसा। मेंटिसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 2.436, तो ये जो 2 होगा ये इसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा। जबकि ये जो 0.436 बच जाएगा यानी 0.436, ये क्या होगा, मेंटिसा होगा। तो हमने कहा कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक करेक्टरिस्टिक, एक वो कहलाता है इंटीग्रल पार्ट, और मेंटिसा इसके फ्रैक्शनल पार्ट को कहते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है और इसमें लिखा हुआ है एन इज इक्वल्स टू 10 पावर एक्स। तो ये जो एक्स है ये क्या है, पावर है, तो ये क्या होगा, लॉगरिथम होगा। हमने कहा कि इट इज़ द एक्सपोनेंट और पावर ओवर द बेस। तो हमारे पास कह रहे हैं कि अगर एन 1000 के बराबर होगा, क्योंकि हमने जो पहले वाला एक्सप्रेशन देखा था उसमें था ए उसके ऊपर पावर एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई, तो हमने कहा एक्स जो है ये लॉगरिथम है वाई का। यानी कि अगर हमारे पास वाई 1000 होता, वाई क्या होता, 1000 होता, तो हमारे पास एक्स कितना होता, एक्स 3 होता, क्योंकि ये क्या होता है, 10 पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स से पावर क्या होती, पावर जो होती वो 3 होती। इसी तरह हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू 10 पावर एक्स लिखा हुआ है, तो हमारे पास कह रहे हैं कि अगर एन 1000 होता तो एक्स क्या होता, तो एक्स ऑब्वियसली क्या होता, 3 होता, क्योंकि 1000 यानी कि 10 पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास पावर कितनी होती, 3 होती। अब जो पावर है या फिर जो एक्सपोनेंट है एक्स, वो क्या है, लॉगरिथम है नंबर एन का, तो हम उसको लॉग एन इज़ इक्वल्स टू एक्स भी रीड कर सकते हैं, यानी कि लॉगरिथम ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद हमने डिस्कस कर दिया कि लॉगरिथम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है और इस एग्जाम्पल में आपके पास लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स हैं, ठीक है, हैव द सेम मेंटिसा बट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक। अच्छा, इनका जो है वो सेम मेंटिसा कैसे है और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक कैसे है, कि अगर आप इसको पावर में चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2.5 × 10 पावर, ये क्या आएगी, 1, 2, 3, 10 पावर 3 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करें तो ये 2.5 × 10 पावर -2 आएगी, -1 आएगा, और ये 2.5 है, और इसको अगर आप चेंज करें तो ये आएगी 2.5 × 10 पावर 4। ठीक, तो आप इसको अगर चेंज कर दें तो ये जो पावर है ये इसकी क्या है, ये करेक्टरिस्टिक कहलाती है बेसिकली। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है ये सबकी चेंज है, लेकिन मेंटिसा सबका क्या है, सेम है। तो इस तरह से हमने कहा कि ये हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, इनका सेम मेंटिसा होगा और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होगी। उसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके पास
जो है कुछ करेक्टरिस्टिक और कुछ नंबर शो किए गए हैं। देखें, अगर जो नंबर है वो 1000 होगा तो उसके ऊपर पावर कितनी आएगी, पावर कितनी आएगी, 10^3। तो ये जो 3 है ये क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक होगा, इसका लॉगरिथम होगा, इसकी पावर है, इसकी एक्सपोनेंट है। अगर 10^2 लिखा हो तो इसकी करेक्टरिस्टिक 2 होगी, अगर 10^1 लिखा हुआ है तो करेक्टरिस्टिक 1। इसी तरह से फिर हम आगे चलते हैं लॉगरिथम टेबल की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास लिखा हुआ है लॉग 1000, इसका पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी 10^3, तो इसका लॉगरिथम क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास लॉग 100 हो तो 100 के ऊपर पावर कितनी आएगी, 10^2 आएगी, तो हमारे पास जो लॉगरिथम होगा इसका 2 होगा, क्योंकि हमने कहा लॉगरिथम बेसिकली है ही क्या, इट इज़ एक्सपोनेंट और पावर ओवर दी बेस। अगर लॉग 10 हो दैट मीन्स 10^1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे वो तो सीधे सीधे थे कि 10^3 है तो भाई उसका लॉगरिथम 3 हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है 273 जो कि इन बिटवीन 100 एंड 1000 है, देखें 273 100 से बड़ा है, 1000 से छोटा है, ठीक है। तो अब इसका लॉगरिथम क्या होना चाहिए, यानी इसका लॉगरिथम 100 यानी 10^2 और 1000 यानी 10^3, तो इसका जो लॉगरिथम है वो 10^2 और 10^3 के दरमियान का होगा, यानी 2 point something होगा, यानी इसका जो लॉगरिथम होगा वो 2 and 3 के दरमियान होगा, 2 point something होगा। तो हमारे पास इसका जो लॉगरिथम, अच्छा ये तो अब हम लॉगरिथम टेबल तो हमें गिवन नहीं होता, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेटर से ये करना पड़ता है, तो ये क्या आएगा, 2 point something आएगा। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रही, होप क्या वो तो आप सबको आते ही होंगे। हम इससे कुछ MCQs पॉइंट देखेंगे कि अगर हमारे पास MCQs आता है इसी तरीके से कि लॉगरिथम फाइंड करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपके पास है यूज़ ऑफ लॉगरिथम इन कंप्यूटेशंस, तो ये आपने याद रखना है इस चीज़ को कि जब log a इंटू बी हो तो आपने क्या करना है, log a प्लस log b, और जब log a डिवाइडेड बाय b हो, अच्छा a की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है और b की जगह पर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो log a माइनस log b कर देना है, और जब log a पावर n हो तो n log a हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास ये कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर, जो n है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो a और b होंगे ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, और ये जो एग्जांपल है ऑब्वियसली कैलकुलेटर से सॉल्व होगी, तो इस चीज़ को पहले आप देख लीजिएगा। बाकी हम आते हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट देयर आर टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स गिवन है और पूछा गया है इनके लिए क्या जो मतलब सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। जैसे आपके पास एक नंबर है 560, दैट मीन्स अगर हम इसको पावर में चेंज करें तो 5.6 × 10^2 आएगा, और अगर हम इसको पावर में चेंज करें तो ये क्या आएगा, 5.6 × 1, 2, 3, 4, 5, 10^5 आएगा। अब इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, डिफरेंट हैं। मेंटिसा क्या हैं, मेंटिसा सेम है, तो हमने कहा कि करेक्टरिस्टिक डिफरेंट, मेंटिसा क्या होगा, सेम होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि लॉगरिथम तो हम कैलकुलेटर से ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे MCQs पॉइंट कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है, किस तरह एक्सपेक्टेड है, तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज़ द लॉग ऑफ 350 का, अच्छा हमें यहाँ पर क्या किया गया, एक हिंट दी गई है कि जो 350 है यानी 350 है, इसका ये इसको अगर हम पावर में चेंज करेंगे तो ये 3.5 × 10^2 आएगी, और इसका लॉगरिथम आएगा 2.544। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, ये जो है हमें एक हिंट दी गई है, हमसे पूछा इसका लॉगरिथम जा रहा है, अब अगर हम इसको पावर में चेंज करें तो ये 3.5 × 10^2 क्या आएगी, 1, 2, 3 पावर आएगी 3। तो अब इसका लॉगरिथम क्या होगा, अगर इसका और इसकी पावर क्या है, चेंज है, बाकी मेंटिसा क्या है, दोनों का सेम है, मेंटिसा दोनों का सेम है, ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है, यानी मेंटिसा दोनों का सेम होगा, पावर चेंज है, तो इसका लॉगरिथम आएगा 3.44। ठीक, उसके बाद एक और नंबर आपके पास गिवन है, और इस नंबर में भी आपसे क्या पूछा गया
3.5. अच्छा, अब अगर हम इसको पावर में चेंज करें तो ये क्या होगा, 3.5 × 10⁴. दोनों का मेंटिसा सबका यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा. पावर क्या है, चेंज है, तो इसका लॉगरिथम भी क्या आएगा, 4.544. सिर्फ पावर क्या है, चेंज है. उसके बाद ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो गया, और इसमें आपसे पूछा गया है जो है ये निगेटिव में आएगी इसकी पावर, तो ये होगी 3.5 × 10⁴, 1, 2, 3, 4, 10⁻⁴ आ जाएगी. अच्छा, अब जब -4 हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि हमारे पास माइनस का 4 लिखेंगे हम, ठीक है, माइनस का 4, पॉइंट क्या कर देंगे हम, 0, 0, 0 कर देते हैं. मेंटिसा क्या है, दोनों का सेम आएगा, तो हमने इस मेंटिसा को इधर पुट कर दिया जो है 0.544. अब हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3.456. तो ये इसका क्या होगा, इस वैल्यू का लॉगरिथम होगा. इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे जो है वो फर्दर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 3.5 × 10⁵-5. तो अब सेम ये भी उसी तरीके से होगा, आपने क्या कर देना है, 5 में से यानी -5 कर देने हैं, 0.000 को माइनस कर देना है 0.544 के साथ, तो उसी सेम तरीके से -4.456 आ जाएगा. अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर आप करें तो 3.5 × 10⁻ क्या आएगा, 10⁻⁪ आएगा, तो ये भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा -1.456 आ जाएगा. फर्दर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें आपसे कहा गया है कि दी लॉग ऑफ 4500 इज 3.653, व्हाट इज़ दी लॉग ऑफ 0.0045. अच्छा, ये भी सेम आपने उसी तरीके से करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि 4500, अब इसको पावर में चेंज करें तो ये क्या आएगी, 4.5 × 10�³. इसका आपके पास लॉगरिथम है 3.653. इसको अगर आप पावर में चेंज करें तो ये 4.5 × 10⁻³ आएगी. क्या आएगी, -3. अब देखें दोनों का मेंटिसा सेम है, करेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट है, उसकी -3 है और उसके +3 है, तो मेंटिसा तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा. हमने सिंपल क्या कर देना है कि ये जो -3 है ना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा -3.000 को माइनस कर देना है इससे, इसके मेंटिसा से, यानी 0.653. तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो -2.347 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, -2.347, ऑप्शन सी हो जाएगा. उसके बाद हम फर्दर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ये उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो अभी हमने किए थे, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, और फर्दर हम एक और क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एंटी लॉग के हवाले से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें कहा गया है कि दी एंटी लॉग ऑफ 3.121 इज 1321.295. व्हाट इज़ दी एंटी लॉग ऑफ 4.121. अब आपने एंटी लॉग फाइंड करना होगा ना, अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन हो तो. देखिए 0.121 है और यहाँ पे भी 0.121 है, तो आपने सिंपल पॉइंट का क्या कर देना है, डिफरेंस रखना है, कैसे कि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा. कैसे डिस्प्लेस हो जाएगा, कि ये पॉइंट इधर से इधर मूव कर जाएगा और आंसर ये हो जाएगा. तो होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके.